नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए अब करते हैं खबरों की शुरुआत। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद यहां हालात गंभीर हैं। देश छोड़ने की कोशिश में हजारों लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तालिबानी हुकूमत के बीच काबुल एयरपोर्ट से दो दिन पहले एक बच्चे का झकझोर देने वाला वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक अफगानी नागरिक अपने बच्चे को कंटीले तारों के ऊपर से अमेरिकी सैनिक को पकड़ाता नजर आ रहा था। अब जानकारी सामने आई है कि ये बच्चा बीमार था और अमेरिकी सैनिकों ने एयरपोर्ट पर ही उसका इलाज किया। इसके बाद बच्चे को उसके पिता को लौटा दिया गया। तालिबान से खौफ खाए अफगानी बच्चों की अमेरिका और दूसरे देशों के सैनिक न सिर्फ देखभाल कर रहे हैं बल्कि उनके साथ खेलकर उनकी मुस्कान भी लौटा रहे हैं। महिला और पुरुष सैनिक नवजात बच्चों को गोद में रखकर अपनी ड्यूटी भी बखूबी निभा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए अफगानी बच्चे अमेरिकी सैनिकों के साए में खुद को कितना महसूस कर रहे हैं। अफगानी लोग एयरपोर्ट के बाहर फंसे हैं लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को किसी तरह अमेरिकी सैनिकों तक पहुँचा दिया है ताकि वो तालिबान से सुरक्षित रहें। महिला सैनिक भी एयरपोर्ट के हालात पर नजर रखने के साथ ही अफगानी बच्चों को भी संभाल रही हैं। बच्चों के खाने पीने से लेकर दवाओं तक का ध्यान रखा जा रहा है। जो अफगानी बच्चे तालिबान से बुरी तरह डरे हुए हैं वो अमेरिकी सैनिकों के साए में खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं और उनसे बेझिझक खाने पीने की चीजें ले रहे हैं।